कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में स्थानीय पार्षद द्वारा एक स्थानीय विद्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सफाई कर्मचारियों को एक मीटर की दूरी के घेरे में खड़े होकर उनके ऊपर फूलों की वर्षा और आरती उतार कर सम्मानित किया गया और राशन सामग्री भी दी गई। वहीं स्थानीय पुलिस थाना रामगढ़ताल थाना प्रभारी राणा देवेंद्र प्रताप सिंह और एसआई संजय कुमार यादव और बाकी पुलिसकर्मियों की आरती उतारकर और मिष्ठान देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, पार्षद रामलोट निषाद, पार्षद प्रतिनिधि अरविंद कुमार निषाद, सफाईकर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वार्ड नंबर 15 गोपलापुर के पार्षद रामलोट निषाद और नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, फीस से चल जाता है, बिल्डिंग बिल्डिंग से भी लिया गया 2000 ये चार ओम का ये लगभग 27 डेसिमल। ओके, इसका जो महक है ना सर, अपने को यार बड़ा खराब लग रहा है। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कार्ड नहीं दिख रहा है, अपनी सुरक्षा करें, 2 बजे के बाद घर पे ही रहेंगे, ठीक है, धन्यवाद। आपके अच्छे काम के लिए आपका सम्मान कर रहा हूँ, घर पे ही रहिए, अपना भी स्वास्थ्य देखते रहिए, आपको पसीना बहुत हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या भाई कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सम्मान करता हूँ, सभी लोग आपकी सेवाओं से विभूत हैं, अपनी सुरक्षा भी करो, 2 बजे के बाद निकलना हूँ, ठीक। संतोष, धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रहे हैं, टीम पर फोन से, ठीक है। क्या नाम है? तीन बार नहीं मैं समझ नहीं पाया। अभय, आपका क्या नाम है? अजय, धन्यवाद अजय, बहुत बढ़िया, नहीं ये लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या भाई क्यों इतने कमजोर दिख रहे हो, खाओ पियो है, यो मत खाओ केवल, दोनों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी सुरक्षा कीजिएगा, चलिए बहुत अच्छा, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मेरा सर कौन कुमार हो? विक्की कुमार। चलो तुम्हारी उम्र कम दिख रही है, मेहनत करते हो ना, घर में रहा करो। आशीष लिखो, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष। क्या नाम है? पतलू टिंकू कुमार। तुम्हारी आंखें कुछ लाल दिख रही है, बराबर ही काम करते हैं। आजकल पी नहीं रहे हो ना? एकदम नहीं पीते हो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? संदीप। चलो अपनी सुरक्षा करो, अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपका स्वागत अभिनंदन सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा काम कर रहे हो। कुबेर राय जी, चलिए आपके प्रति सम्मान आभार, और आपका नाम क्या है? रविशंकर जी, और मेहनत करिए। अच्छा, जौनपुर के होने वाले, चलिए। प्रवीण कुमार सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपके प्रति। संजय कुमार यादव, धन्यवाद, चलिए दोनों सुपरवाइजर मेहनत करो, सुपरवाइजर साहब आप लोगों के दम पे सफाई है, हैं जी सर, धन्यवाद और आभार, ठीक है। गोदी बनाते हुए ले लो, सामने हो जा, मगर आज सब क्या मैं इस वार्ड का पार्षद रामलोट निषाद, वार्ड नंबर 15 गोपलापुर मोहल्ला रामगढ़ताल आस्थान बाबा बासदेव जूनियर हाई स्कूल पर आज अपने सफाई कर्मी और पुलिस विभाग को दोनों को मेहनत देखते हुए इस लॉकडाउन का पालन करते हुए लोगों को मैं बधाई दिया हूं।
और मैं ये भी देखा कि जब जब हमने देखा कि कहीं कर्मचारियों को कोई वार्ड से फ़ोन कर देता था कि हमारे वार्ड में घर पर सफाई नहीं हुआ है, मैं दवा और सफाई दोनों तेज़ी से करवाया। पुलिस विभाग लोगों को मैंने कहा कि जब निकलते थे कभी मैं शहर की तरफ, मैंने कहा आप लोग इतना टाइट हो जाइए कि जो भी निकलता है मास्क लगा के निकलना, और निकलने के बाद रोक दिया जाए कि अपने घर में रहें, लॉकडाउन की पालन किया जाए। देखिए ये फ्रंट वॉरियर्स हैं और हमारे सफाई कर्मी, लॉकडाउन की स्थिति रही और सौभाग्य से हमारे महानगर में अभी कोई केस नहीं आया है, लेकिन तब भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाना हो या लॉकडाउन हो, लोगों को अपने घरों में रहना हो, ये फ्रंट पर काम करने वाले लोग हैं और इनका सम्मान लगातार एक सिलसिला चल निकला है, ये बहुत अच्छा है। माननीय पार्षदगण के सहयोग से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग रोज़ किसी न किसी वार्ड में जाकर इनका सम्मान करते हैं। सम्मान करने के पीछे उद्देश्य ये है कि एक संदेश जाना चाहिए समाज में कि लोग इनकी सेवाओं को पहचानें, ये महसूस करें कि इस इन कठिन परिस्थितियों में ये अपने सेवाओं पर उपस्थित हो रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं पूरे समर्पण से। वहीं दूसरी ओर इनके मन में भी कोई अच्छी अनुभूति आए कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो इसको रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग इसको पहचान कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो इनका भी उत्साहवर्धन होगा। तो आज इसी कड़ी में वार्ड नंबर 15 में हम लोग उपस्थित हुए हैं, जहां हम आप पीछे देख सकते हैं हमारे सफाई कर्मियों का हम सम्मान करने जा रहे हैं। और ये सिलसिला लगभग लगातार प्रत्येक दिन ही मैं कहीं जाता हूँ तो ये जारी रहेगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से प्रयास से इन लोगों को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी और साथ ही हमारे निवासियों तक, नगर निवासियों तक भी ये संदेश जाएगा कि ये उनकी सहायता कर रहे हैं तो इनकी सहायता वो करें, कम से कम कूड़ा निकालें, सेग्रीगेट करके कूड़ा निकालें, कूड़ा निकालने का एक समय नियत करें, जब हमारी गाड़ियाँ आती हैं तभी कूड़ा निकालें, क्योंकि अंतिम उद्देश्य हमारा ये है कि महानगर साफ़ सुथरा दिखाई दे, नालियाँ साफ़ सुथरी हों और हमारे निवासियों, यहाँ इस शहर के निवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सम्मान किया जाए, इसके संबंध में बिल्कुल पुलिस विभाग भी इस पर फ्रंट वॉरियर है। जब लोग घरों में हैं और घरों में आराम से हैं, मैं कहूँगा तो आप देख सकते हैं प्रत्येक चौराहे पे पुलिस विभाग के सिपाही, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स राइट फ्रॉम नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद हैं अपनी ड्यूटी पर, तो इनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ ही एक मेडिकल विंग है, हमारे डॉक्टर साहब नगर स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ खड़े हैं, ये भी फ्रंट वॉरियर, सबसे पहले तो ये लड़ रहे हैं और फिर इनके पीछे पुलिस विभाग और नगर निगम और अन्य विभाग लड़ रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, सम्मान करने के पीछे उद्देश्य यही है कि उनके प्रति ग्रेटिट्यूड अपना दिखाना, उनके प्रति आभार व्यक्त करना और साथ ही साथ लोगों को एक अवसर देना कि इनकी सेवाओं की महत्ता को पहचानें।